वेलकम टू ट्रैफर्ड सेंटर। तो आप ये देखें, ये है ट्रैफर्ड सेंटर की जो ना मेन एंट्रेंस ये वाली है। ये इधर राइड वगैरह लगाई हुई है काफ़ी ज़्यादा, ये देखें। तो ये ऊपर देखें सारा, इन्होंने कितने ही खूबसूरत इन्होंने सारा बनाया हुआ। ये देखें जी, ये प्रॉपर रोमन टाइप इन्होंने पूरा टच दिया हुआ है। तो शैंडलियर चेक करें कितना की बड़ा। अस्सलामुअलैकुम, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी खैरियत से हूँ। सबसे पहले मुझे बताएं कि आपका भाई लग कैसा रहा है? तो अभी फ़िलहाल जाने लगे हैं शॉपिंग के लिए कुछ, क्योंकि वीकेंड है आज, तो शॉपिंग तो बनती है ना वीकेंड पे। अभी बस निकलते हैं अभी। और अगर तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया, जल्दी से वीडियो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, शुक्रिया। चले आप ना बाहर वेदर चेक करें, कितना ही साफ आज वेदर है। अक्सर इधर ना क्लाउडी होता है बहुत ज़्यादा वेदर, तो आज अच्छा वेदर है। तो निकले भी हैं घूमने फिरने के लिए, बस मैनचेस्टर के करीब ही है वो शॉपिंग मॉल जिधर हम जा रहे हैं। तो बस आई थिंक और 30 मिनट में पहुंच जाएंगे हम उधर, तो दिखाएंगे आपको जी। आज रश होगा काफ़ी। तो जी बस हम इधर ट्रैफर्ड पार्क के पास आ गए हैं, ट्रैफर्ड सेंटर के पास। ये जो एरिया है ना, ये से कहते हैं ओल्ड ट्रैफर्ड। ये मैनचेस्टर का काफ़ी पुरानी एरियाज में से है। तो आपने सुना होगा ओल्ड ट्रैफर्ड ग्राउंड जो मैनचेस्टर में है क्रिकेट की, वो भी इसी एरिया में है। और मैनचेस्टर यूनाइटेड की जो टीम है उनकी भी जो होम ग्राउंड है वो भी इसी जगह पे है, ओल्ड ट्रैफर्ड में। तो इधर से अगर आप जाएँ ना, इधर से अगर लेफ्ट जाएँ, इधर से आती है उसकी वो मैनचेस्टर यूनाइटेड की ग्राउंड आती है। अगर स्ट्रेट जा के आगे राउंड अबाउट से आप लेफ्ट हो जाएँ, फिर उधर आती है क्रिकेट की ग्राउंड आती है इनकी। तो ये काफ़ी ना इनका मेन एरिया है, तो काफ़ी पुराना भी है। चलो जी, वेलकम टू ट्रैफर्ड सेंटर। ये आप गाड़ियों की आप ना पार्किंग में रश से देख के ही ना आइडिया लगा लें कि कितना रश होगा आज इधर। मेरे यहाँ से तो पार्किंग भी मिलनी है कि नहीं ये भी नहीं अभी पता फिलहाल। लास्ट टाइम भी आए थे तो पार्किंग नहीं सी मिली इधर। तो ये सारा उस तरफ, ये सारा इसकी पार्किंग बहुत बड़ी है ट्रैफर्ड सेंटर की। तो जी फिलहाल अभी पार्किंग में ना कि मुझे 20 मिनट हो गए हैं चक्कर लगा रहे हैं, कभी इस पार्किंग में कभी उस पार्किंग में, जगह ही नहीं मिल रही। इतना कि रश है, इतना कि रश है, मैं क्या बताऊँ आपको। तो मेरे हाथ से अगर जगह ना मिली तो हमें भी घंटा इधर ही ज़ाया कर देंगे अपना पार्किंग ढूंढने के चक्कर में। तो होपफुली जल्दी पार्किंग मिले तो लगाएँ अंदर अंदर जाएँ। तो भूख भी वैसे काफ़ी लगी हुई है, तो पार्किंग लगाएँ, मिल जाए अल्लाह करे कोई, कि जो हालात है ना इधर के पार्किंग मिल कोई नहीं रही। तो जी फाइनली हमें स्पेस मिल गई है पार्किंग की, तो बस अभी गाड़ी लग रही है मेरी इधर। रिवर्स ले आओ, बस पीछे आ जाओ बस। तो जी फाइनली पार्किंग मिल गई है। दो लड़कों का बहुत शुक्रिया कि वो गुजर रहे थे, हमने फॉलो किया, उन्होंने हमें इशारा कराया कि हम जा रहे हैं, आप लोग आ जाओ। अगर वो ना होते तो मेरे ख्याल से और आधा पौना घंटा ढूंढते, हमने खज्जल हो जाना था। तो शुक्र है कि पार्किंग मिल गई है, बस अब चलते हैं अंदर। तो ये देखें जी ट्रैफर्ड सेंटर उधर से स्टार्ट होता है। तो ये सारी बिल्डिंग है, तो ये है जी ट्रैफर्ड का सारा व्यू इधर से आप अगर देखें तो। ये सारा इन्होंने ऊपर से बहुत ही खूबसूरत बनाया हुआ इन्होंने, तो क्या ही बात है। ये देखिए आप जितना भी इन्होंने थीम बनाया हुआ, सारा विक्टोरियन थीम बनाया हुआ है उसकी बेस पे। ये आप ये देखिए ऊपर, ये सीलिंग में इन्होंने पेंटिंग्स वगैरह कितनी खूबसूरत की हुई हैं। इस तरह भी सारा थ्रू आउट सारा इसी तरह बना हुआ है। तो आप देखें कितना ज़्यादा रश हुआ है आज इधर। इधर ना नीचे भी बहुत रश है, आज वीकेंड आने इसलिए बहुत ज़्यादा रश है इधर। तो जी इस ट्रैफर्ड सेंटर के अंदर आपको हर एक ब्रांड की आपको शॉप मिल जाएगी, आप हर एक चीज़ मिलेगी आपको इधर। ये नीचे आप रश देखें, तो अगर आप इस हिस्से पर अगर आप आते हैं तो पीछे विक्टोरियन थीम था, इधर उन्होंने रोमन थीम जो है ना थोड़ा सा इन्होंने कर दिया इधर। तो रश बस आप चेक करें कितना रश। तो देखिए जी बेसिकली ना इस ट्रैफर्ड सेंटर के ना दो फ्लोर्स हैं, एक ग्राउंड फ्लोर है तो एक फर्स्ट फ्लोर है।
हम अभी हैं इधर फर्स्ट फ्लोर पे हैं, ये देखें कितनी उन्होंने डेकोरेशन की हुई है सारी। ये भी रात को ऑन करेंगे लाइट्स, इसकी आपको दिखाऊंगा अगर हम इधर देर तक रुके। ऐ चेक करो जी, गाना गाँ दिया बाबे और मुँह जरा ने अथी रुक गया। अभी फ़िलहाल मैं अभी ना मॉल के ग्राउंड फ्लोर पर मैं आया हूँ मैं अभी इधर, तो ये आपको दिखाते हैं अभी। ये सारी लाइटिंग उन्होंने की हुई है इधर तो, लेकिन इस टाइम बंद है सारी। तो जी फिलहाल अभी इधर हम आ गए हैं फूड कोर्ट में, इसे शिप कहते हैं। देखिए ये शिप बनी हुई है, ये सारे इर्द गिर्द जितने भी हैं ये सारे रेस्टोरेंट्स हैं, सारे पूरे गोल चक्कर में रेस्टोरेंट्स हैं। और इधर सारे जो है ना ये प्लेइंग एरिया किड्स के लिए सारा इन्होंने बनाया हुआ। ये आप इधर मैकडॉनल्ड्स और KFC के बाहर हाल देखें, लाइनें लगी हुई हैं सारी। तो ये सारा इनका जो सामने आपके देख रहे हैं ये सारा सिटिंग एरिया सारा इसका, काफ़ी आज ना भरपूर रश है। ये फाइनली खाना ले लिया थोड़ा सा, मैंने लिया है चिकन डोनर तो उन्होंने भी चिकन डोनर लिया। ये देखिए जी ये प्रॉपर है रोमन टाइप, उन्होंने पूरा टच दिया हुआ है। तो शैंडलियर चेक करें कितना की बड़ा बनाया हुआ है इन्होंने। तो ये सारा इसकी फील है देखें। तो ये देखें ये सारे बच्चों के ना फन एरिया गेमिंग एरिया सारे सारे हैं इसके अंदर देखें सारा। तो ये शोर देखें कितना ज़्यादा है, बच्चों ने डाला हुआ अंदर है। ये सारा गेमिंग एरिया इनका बहुत अंदर स्नूकर वगैरह। तो जी ये देखें जी चाइना टाउन बनाया हुआ है इन्होंने इधर। चाइनीज़ ने हर जगह ना अपना चाइना टाउन लाजमी बनाया होता है, चाहे सिटी में हो चाहे मॉल में। तो इसमें बस यही है हर जगह इनका चाइना टाउन लाजमी होता है। आपको दिखाते हैं अंदर से जाके अभी। इन्होंने अपने ना रेस्टोरेंट्स बनाए हुए हैं सारे इधर सब जगह पे। ये कुछ शॉप्स हैं इनकी चाइनीज़, इनका ट्रेडिशनल जो चीज़ें होती हैं इन्होंने सब कुछ ना वो बनाया होता है इसके अंदर, देखें आप भी। जी ये नई इधर शॉप खुली हर चीज़, और क्यू आपके सामने ही है, कितनी लंबी क्यू लगी है। तो जी इधर नीचे बैठ के अभी मैंने खाना खाया था जी आपको, मैं क्या ऊपर से व्यू दिखा दूँ सारा। ये सारा इधर फूड कोर्ट है इनका, तो सारे इर्द गिर्द सब रेस्टोरेंट्स ही रेस्टोरेंट्स हैं इनके। तो ये इन्होंने स्क्रीन लगाई हुई था कि मैचेस वगैरह फुटबॉल के लगते हैं इनके, तो वो दिखाते हैं अंदर लाइव। तो ये ऊपर देखें सारा इन्होंने कितनी ही खूबसूरत इन्होंने सारा बनाया हुआ। तो सामने देख रहे हैं ऑडियम देख रहे हैं, ये सिनेमा है। आप ऊपर चले जाते हो तो सारे सिनेमा मूवीज़ वगैरह लगी हुई है इधर सब। तो पसीना आप देख लें मेरा कितना है। फाइनली आधे घंटे लाइन लगने के बाद मैंने ऑर्डर कर दिया है, बकेट्स ऑर्डर किए KFC से। होपफुली जल्दी से जल्दी ना ये ऑर्डर कलेक्ट भी कर लें। तो आप ये देखें ये है ट्रेवर सेंटर की जो ना मेन एंट्रेंस ये वाली है, सारी ऊपर है इन्होंने अपनी जो है ना अपनी पुराने ज़माने की अम्माएँ बैठाई हुई हैं सारी। तो इस तरफ इन्होंने ना ये इधर राइड्स वगैरह लगाई हुई हैं काफ़ी ज़्यादा। ये देखें ये कश्ती झूला भी तो लाया था जो उन्होंने, कश्ती झूला सामने लग गया था भाई, वो भी कश्ती झूला लाया था उन्होंने। तो जी बस अभी KFC अपना पिक कर लिया। ये मेरे इधर राइड्स लगी हुई हैं सारी मेरे पीछे, इधर दिखाता हूँ भी आपको मैं। तो बस निकले शूज़ में ना मैंने गलत पहन ली है थोड़े से लाइट भी कम है, मेरी शक्ल नजर ना आपको आए मेरी, अंधेरा अंधेरा है थोड़ा सा। तो बस अभी गाड़ी लेते हैं तो बस निकलते हैं। तो ये देखें मेरे पीछे ज़रा। तो जी ट्रैफिक सेंटर से कल आके रात को थकन काफ़ी थी तो आके सो गए थे, तो वीडियो मैं नहीं बना सका। तो आई होप कि आपको जो है ना ट्रैफिक सेंटर पसंद आया होगा, क्योंकि उधर काफ़ी ज़्यादा वीकेंड में तो काफ़ी ही ज़्यादा रश होता है ना ट्रैफिक में, क्योंकि कहने सारे मैनचेस्टर की जितनी भी है ना उधर की जितनी भी आवाम सारी ट्रैफिक में घुसी होती है। तो वैसे भी उन्होंने फन फेयर जो उधर उन्होंने राइड्स लगाई हुई थी उसकी वजह से भी बच्चों का भी काफ़ी रश था उधर, तो काफ़ी मज़ा आया था कल अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत इंजॉय किया था। आई होप कि आपको भी वीडियो का मज़ा आया होगा। तो जी इसी के साथ वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं,
और अगर तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया जल्दी से वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और मुझे इंस्टाग्राम पे आपने लाजमी फॉलो करना है। अब नीचे आपको मेरे इंस्टाग्राम की आईडी आ जाएगी, उसे लाजमी फॉलो करना है। तब तक के लिए मुझे दुआओं में याद रखिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह।